गाइस, गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में कुल्फ़ी किसको पसंद नहीं है। तो ये देखिए मेरी कुल्फ़ी, 2.5 किलो की कुल्फ़ी है ये। इसको मंगाया मैंने इस गर्मियों के लिए। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं बीस्ट पापा चैनल। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे। जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि आज मैं टेस्ट टेस्ट करने वाला हूँ माय प्रोटीन के कुल्फ़ी फ्लेवर का। ये मैंने माय प्रोटीन वेबसाइट से ही ख़रीदा था। 2.5 किलो का ये पैकेज है। कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है ये, यानी कि इसमें थोड़ा सा फैट और थोड़ा सा शुगर आपको ज़रूर मिलेगी। अगर मैं MRP की बात करूं तो कंपनी ने जो MRP बता रखी है वो है 7446। अगर मैं इसको बिना डिस्काउंट के चेकआउट करूं अभी वेबसाइट से माय प्रोटीन की, तो वहाँ पे अराउंड 5500 में मुझे मिल जाएगा। और गौरव तनेजा, जिनको आप पहले से ही जानते हैं, फिट मसल TV के ओनर और फ्लाइंग बीस्ट के ओनर, रस भरी के पापा के ओनर, 3 YouTube चैनल हैं इनके, उनका मैंने यहाँ पे कूपन कोड लगाया था और मुझे डिस्काउंट के बाद ये 4322 का पड़ गया था। गाइस, इसका मतलब है 1730 रुपये पर केजी के हिसाब से। अब चलते हैं सीधा टेस्ट टेस्ट पे। मैं इसको पानी के साथ टेस्ट करूँगा, मैं इसको मिल्क के साथ टेस्ट करूँगा, और जैसे कि ये फ्लेवर है कुल्फ़ी वाला, तो मैं ऑब्वियसली इसकी कुल्फ़ी भी जमा के देखूँगा। मैं उसमें कुछ ज़्यादा मिलाऊँगा नहीं, सिर्फ उसमें मिल्क होगा और ये प्रोटीन पाउडर होगा, दैट्स इट। इसके अलावा अभी जो मेरी डाइट है, मैं सुबह ओट मील लेता हूँ। पानी में ओट्स होते हैं और उसमें मैं अपना 1 स्कूप वे प्रोटीन डाल देता हूँ। तो अभी तक जो मैं यूज़ कर रहा था प्रोटीन, वो था ये ऑन का रॉकी रोड फ्लेवर था। तो चॉकलेट फ्लेवर है रॉकी रोड, तो वो थोड़ा सा मिक्स होके चॉकलेटी फ्लेवर देता था। ये कुल्फ़ी वाला फ्लेवर मैं ओट्स में पहली बार डालूंगा, तो मुझे पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा। जो रिएक्शन आपको दिखेगा वो जेन्युइन रिएक्शन होगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उसको टेस्ट टेस्ट करने वाला हूँ उस तरीके से। तो ये 3 या 4 तरीके से मैं आपको टेस्ट टेस्ट करके बताऊँगा और फिर देखते हैं कैसा टेस्ट मुझे लगा, और वही मैं आपको ओपिनियन दूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। टेस्ट टेस्ट से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो स्कूप है वो 25 ग्राम की स्कूप है, और इसमें जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 19 ग्राम प्रोटीन क्लेम कर रही है। 19 ग्राम प्रोटीन का मतलब होता है 76%, जो कि मेरे हिसाब से कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन के लिए बहुत सही है। कार्ब्स इसमें 1 स्कूप में 2.13 ग्राम है, और उसमें से भी 1.47 ग्राम शुगर्स है। 1.47 को अपन 1.5 ही मान लेते हैं, यानी कि 1.5 ग्राम शुगर है 1 स्कूप में। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई स्कूप में शुगर थोड़ी सी शुगर इंक्लूड है, तो उनके ऐसे कान खड़े हो जाते हैं कि शुगर का नाम सुनते ही कई लोगों के। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए, 1.5 है। एक जो हमारी चम्मच होती है ना, वो 5 to 6 ग्राम की होती है। तो उतनी हम एक जो चाय पीते हैं, एक चम्मच चीनी तो हम उसमें ही डाल देते हैं, और ऐसी दिन में लोग 2 बार तक चाय पीते होंगे। 1.5 ग्राम शुगर का मतलब है आप 4 स्कूप लेंगे तब जाके वो 6 ग्राम शुगर पहुँचेगा, यानी आपको इसके 4 स्कूप लोगे तब जाके वो 1 चम्मच शुगर बनेगी आपकी। तो जो शुगर क्वांटिटी है वो इतनी नहीं है जितना कि हवा बना देते हैं लोग बाग देखते ही पैकेज पे कि 1.5 ग्राम शुगर है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके देखिए आप। शुगर ज़रूर है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप इसको कंज्यूम ही ना करें। उसके बाद फैट इसमें अगेन 1.5 ग्राम है। सॉल्ट इसमें नेग्लिजिबल है, 0.4 ग्राम। 96% ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, और बाकी इसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर रखा है, कुल्फ़ी फ्लेवर वगैरह। तो बहुत डिसेंट प्रोटीन लग रहा है मुझे रेट के हिसाब से। ऑब्वियसली आइसोलेट नहीं, आइसोलेट होता तो इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े और ज़्यादा बेटर हो जाते, प्रोटीन कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता, शुगर फैट कार्ब्स और कम हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टेस्ट टेस्ट पे। गाइस, सुबह हो चुकी है। जनरली सुबह एम्प्टी स्टमक में जिम जाता हूँ, लेकिन क्योंकि कल मेरा फास्ट था एकादशी का, तो इतनी एनर्जी नहीं है मेरे में कि मैं जिम जाऊँ। तो अभी मैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये प्रोटीन लेने वाला हूँ, और साथ ही साथ इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्ट टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले इसमें एक इस तरीके की सील आती है, इस सील को निकाल दो आप। तो इसको मैंने खोल दिया है, और स्मेल तो बिल्कुल कुल्फ़ी जैसी आ रही है, ऑब्वियसली कुल्फ़ी फ्लेवर है। तो वाह, ठीक है। पानी मैंने रखा हुआ है अपने पास, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 200 ml ही है ये। ठीक है,
सिंपल पानी है ये। अब मेन चीज़ रहेगी इसमें स्कूप ढूंढना। तो इस तरीके का ये स्कूप आता है, इसमें कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है माय प्रोटीन की, सिंपल सा प्लेन स्कूप है ये, ठीक है। और ये मैं निकालता हूँ प्रोटीन इसमें से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर का पाउडर है बिल्कुल। और हीपिंग स्कूप लिया है मैंने, तो 25 ग्राम से थोड़ा ऊपर ही होगा। पानी में ले रहा हूँ 200 ml, ये डाला इसको इसमें। अब करते हैं इसको शेक। शेक पे भी शेक। तो ये हो गया अच्छे तरीके से शेक, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट है तो थोड़ा मैंने इसको ज़्यादा शेक किया है ऑन का। अगर आपने मेरा सप्लीमेंट रिव्यू देखा होगा तो उसमें मैंने इतना शेक नहीं किया था, सिर्फ आई थिंक 10 सेकंड तक शेक किया था, क्योंकि वो जल्दी तरह बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। अब देखते हैं क्या सीन है इसका। तो मैंने इससे पहले भी माय प्रोटीन के बहुत सारे फ्लेवर टेस्ट किए हैं। माय प्रोटीन मैं बहुत पहले से कंज्यूम कर रहा हूँ। एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आती थी माय प्रोटीन में, कि उसमें बहुत ऊपर जब अपन शेक करते तो झाग बन जाता था। इसमें मैं देख रहा हूँ बिल्कुल भी झाग नहीं बनाया, जैसे ऑन में बिल्कुल मिक्स हो जाता तो लिक्विड ही बचता था, बिल्कुल वैसा ही लिक्विड बचा है। सबसे पहले मैं आपको मिक्सिबिलिटी दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल दूध जैसा पानी आ रहा है, कोई इसमें लंप नहीं था, एक भी लंप नहीं है, ना ही इसमें झाग बना हुआ है। तो मिक्सिबिलिटी के नाम पे बिल्कुल 10 out of 10 दूंगा मैं इसमें। कलर जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट है, ठीक है। स्मेल की बात करें ऐसा लगता है मतलब आइसक्रीम को पिघला रखा है आपने। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, हल्की स्मेल है। अब टेस्ट करते हैं इसको। शानदार टेस्ट है, ऑब्वियसली आइसक्रीम का आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ओरिजिनल आइसक्रीम नहीं है, लेकिन टेस्ट वैसा ही आ रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आइसक्रीम में आता है, क्योंकि उसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा होती है और काजू पिस्ता भी उसमें डालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं उसमें। तो ऑब्वियसली वैसा फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन उससे मिलता जुलता आर्टिफिशियल फ्लेवर ज़रूर आई है। और बिल्कुल पीने लायक फ्लेवर है, ऐसा नहीं है कि ये पानी के साथ पिया नहीं जा रहा है। एक या एक सिप या दो सिप में आप इसको पूरा पी सकते हैं। बहुत शानदार फ्लेवर है पानी में, मुझे तो अच्छा लगा। फ्लेवर के नाम पे मैं इसको 9 out of 10 ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किसके साथ मैं अगला टेस्ट टेस्ट करने वाला हूँ पानी के साथ। तो ये हो गया। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine. Guys, अब कर लेते हैं oatmeal का taste. सबसे पहले consistency तो वैसे होती है, शानदार वैसे ही है, कोई lumps नहीं है इसमें। और स्मेल बिल्कुल वैसी ही आइसक्रीम वाली, कुछ अलग नहीं है। और ओट्स डालने से थोड़ा सा ये क्रंची जैसा हो गया है जब मैं इसको डाल रहा हूँ नीचे इस तरीके से। देखो आप, क्रंची हो गया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप ओट मील बनाएं तो थोड़ा सा पानी जितना आप रेगुलर बेसिस पर डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, तो आपको आइसक्रीम जैसे इसको लिक्विड ही रखना है ताकि इसको आप आराम से निकल सके। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और करी थी जो मैंने अभी दिखाया नहीं वीडियो में, कि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ये थोड़ा सा ठंडा तो नहीं बोलूँगा पर गर्म नहीं है। गर्म खाओगे अगर इसको आप इस फ्लेवर के साथ तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको। कुल्फ़ी गर्म नहीं होती है कभी, सबको पता है। तो फटाफट करते हैं आपका टेस्ट टेस्ट। चीनी है इसमें 1.5 ग्राम, तो मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला है। तो पानी में बनाने से ये थोड़े से प्लेन हो गए हैं, तो अगर आप इसको दूध में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर टेस्ट करेंगे। एक और रीज़न इसका ये हो सकता है क्योंकि मैंने इसमें 50 ml पानी ज़्यादा डाल दिया। मैं जनरली 200 ml पानी डालता हूँ और 30 ग्राम ओट लेता हूँ,
इस बार मैंने 250 ml पानी लिया, थोड़ा सा डायलूट हो गया है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा ये फीका लग रहा है पीने खाने में। बट नेवरदलेस बॉडी बिल्डर्स टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं, बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी के लिए खाते हैं, डाइट के लिए खाते हैं। तो आइए फटाफट इसको फिनिश करते हैं। इन दी एंड मैं बोलूँगा कि ओटमील में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओटमील में अगर आप दूध डाल के खाते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है, अगर आप उसको प्लेन खाते हैं पानी में तो इट्स अ बिग नो नो आई गेस। कोई ज़रूरत नहीं है इसको इस तरीके से खाने का, आप इसको पानी में भी ले सकते हैं या दूध में। अभी हम आके देखेंगे और आइसक्रीम भी अपन आके देखेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले सीन में। गाइस, कुल्फ़ी फ्लेवर से अगर कुल्फ़ी नहीं बनाई आप लोगों ने तो क्या फ़ायदा। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने कुल्फ़ी बना रखी है घर पे। इसमें दूध डाला है मैंने और एक स्कूप प्रोटीन पाउडर डाला है और कुछ नहीं डाला, ना ही इसमें बादाम डाला है, ना ही इसमें पिस्ता डाला है। ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि आपको टेस्ट टेस्ट करके बताना है नेचुरल तरीके से। और भी बहुत कुछ चीज़ें मैं ऐड कर सकता था लेकिन नहीं करी। तो अब इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं या नहीं गर्मियों में। लेट्स गो। मज़ा आ गया, बहुत टाइम बाद, इनफैक्ट बहुत आई थिंक महीनों सालों बाद मैं खा रहा हूँ कुल्फ़ी। मैं कुल्फ़ी ज़्यादा खाता नहीं ऑब्वियसली, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। जो कुल्फ़ी आप बाहर खाते हैं, आइसक्रीम जो बाहर खाते हैं, उससे अच्छी ये वाली है। क्योंकि पहली बात तो ये घर पे बनी है, दूसरी बात ये हेल्दी है क्योंकि ये प्रोटीन और दूध से ही बनी हुई है। तो गर्मियों में अपने पैसे बचाइए और आइसक्रीम खा के भी हेल्दी रहिए, ठीक है। पानी से अच्छा, ओट से अच्छा आइसक्रीम लगा है। अब एंड में हमें दूध के साथ टेस्ट टेस्ट करना है और सबसे बेस्ट अभी तक जो मुझे लगा वो आइसक्रीम का ही लगा है। तो आप भी इसे ट्राई करिए घर में जैसे मैं कर रहा हूँ, और भी तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप बादाम और पिस्ता ज़रूर डालना और देखिए कितने टेस्टी हो जाती है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट टेस्ट पे दूध के साथ। गाइस, एंड में दूध के साथ भी टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो दूध लिया है वो 200 ml है, ठीक है। जितना पानी लिया था उतना ही दूध लिया है मैंने यहाँ पर। अगेन एक हीपिंग स्कूप प्रोटीन का और आप करते हैं इसको शेक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बहुत मस्त शेक कर दिया है इसको, अच्छे से मिल गया होगा यहाँ पे दूध प्रोटीन के साथ। आप देखते हैं सबसे पहले इसकी मिक्सेबिलिटी। तो ये रहा एक और शेकर, ये देखिए आप बिल्कुल गाढ़ा दूध जैसा ही निकल रहा है, कोई भी लंप नहीं है इसमें, ठीक है। और ये आया इसमें वापस स्मेल, टेस्ट करूँ तो बिल्कुल वैसे ही स्मेल है जैसे पानी में आया था, कुछ फ़र्क नहीं है स्मेल में। तो जनरली होता ये है कि दूध में स्मेल थोड़ी सी दब जाती है लेकिन स्मेल इसमें दब नहीं रही है, बिल्कुल सेम है जैसे पानी में थी। टेस्ट करके देखते हैं अब। टेस्ट पानी से थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा दूध की वजह से थोड़ा सा ये गाढ़ा हो चुका है। तो इस तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आइसक्रीम होती है, जो कुल्फ़ी होती है एक्चुअली, उसको पिघला लो आप और उसको आप पी रहे हो, उस तरीके का ये टेस्ट आ रहा है इसमें। एंड आई विल प्रेफर ड्रिंकिंग दिस प्रोटीन इन मिल्क इंस्टेड ऑफ वाटर। आखिर में मैं एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ आपको, जैसे अपन कोई और प्रोटीन लेते हैं जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर में, तो उसमें ये होता है कि जो पानी के साथ अपन लेते हैं तो वो थोड़ा सा फीका होता है, और दूध के साथ जब उसको लेते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 19-20 का ही फ़र्क है।
जो पानी के साथ था वैसा का वैसा टेस्ट दूध के साथ मिल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है टेस्ट में, और वो फीका था और ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन फ़र्क ये है, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है दूध की वजह से, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेबल है कुल्फ़ी के लिए। लेकिन अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो पानी के साथ बिल्कुल भी फीका नहीं था, पानी के साथ ही बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा था, बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा था। जैसे अनलाइक अनलाइक अदर प्रोटीन्स जो पानी के साथ फीके हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं था वहाँ पे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कुल्फ़ी फ्लेवर माई प्रोटीन के लिए। चार तरीके से मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया। आई होप आप अगर इसको परचेज़ करने की सोच रहे होंगे तो ये आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजन लेने में। इस तरीके के आपके वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं, और अगर आप कोई स्पेसिफिक टेस्ट टेस्ट करना चाह रहे हैं किसी प्रोटीन के फ्लेवर का, तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे। मैं कोशिश करूँगा अगली बार उसी को मंगाने की। इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ, वो भी रेगुलर बेसिस पे। जाने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है दीप, आप देख रहे थे बीस बाबा चैनल। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, चीयर्स।